Hi friends, very good morning. This is Dinesh Kumar and you're watching RNJ Academy. I'm here with advanced vocabulary, words and synonyms. See, ये advanced vocabulary session हम इतनी देर रात को शूट कर रहे हैं, आपको थोड़ा आप सो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत देर रात को शूट किया जा रहा है. और इसका मात्र वजह यह है कि हम आपके इस पढ़ाई में थोड़ा सा मदद कर पाए. मेरा उद्देश्य है कि हम आपकी मदद कर पाए. और इस क्रम में हमने कुछ 6 ब्यूटीफुल वर्ड्स लिए हैं और इनके सिनोनिम्स हैं. इस सेशन में आपको कुछ अराउंड 100 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, नहीं 100 तो 80 तो हो जाएंगे. और ये है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज सिंगल डे एग्जाम में सिनोनिम्स आते हैं. एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है. आप बस थोड़े देर के लिए धैर्य रख के इस वीडियो को आराम से सुनिए, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा. ठीक है, पहला वर्ड देखते हैं कौन सा लिए है. इनऑर्डिनेट. इनऑर्डिनेट मीन्स अनियमित या विषम, मीन्स जो रेगुलर ना हो या जो ऑड हो, उसे हम इन ऑर्डिनेट कहते हैं. और इसका पहला वर्ड है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा मात्रा में, अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल में ना हो, अनरेगुलेटेड. अनरेगुलेटेड मीन्स जो रेगुलेट ना हो. साथ में प्रोफ्यूज, ये भी इसका मतलब भी होता है अनियमित. प्रोफ्यूज मीन्स जो सीधा ना हो या जो स्ट्रेट ना हो, मतलब हमारे लक्ष्य को पूरा नहीं करता हो. डिसऑर्डरली, जो ऑर्डर में नहीं है. इरेगुलर, देखिए इरेगुलर मतलब मैंने कहा था कि ऑड हो यानी इरेगुलर हो, रेगुलर ना हो. ठीक है, अगला है सुपर एबंडेंट. कुछ चीजें होती हैं कि एबंडेंट होती हैं, प्रचुर होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं सुपर एबंडेंट, मतलब कि आवश्यकता से ज्यादा है, तो उसे भी हम हैं इसी में गिनेंगे, विषम में ही गिनेंगे. सुपर एबंडेंट. इमॉडरेट, जो मॉडरेट ना हो. अच्छा, किसी चीज का मॉडरेट होना मतलब होता है औसत होना, औसत से या तो बहुत ज्यादा हो जाना, ये चर्चा हो रही है. ओवर मच, कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा. फिर इनटेम्परेट. इनटेम्परेट मीन्स एक्सेसिव. एंड अगला है एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची. तो इस तरह से हमको इनऑर्डिनेट के कुछ 10 वर्ड मिले. एक्सेसिव, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, प्रोफ्यूज, डिसऑर्डरली, इरेगुलर, सुपर एबंडेंट, इमॉडरेट, ओवर मच, इंटेम्परेट एंड एक्स्ट्रावेगेंट. नेक्स्ट वर्ड इज स्कफल. देखिए स्कफल में तो होता है लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, ये होता है. ठीक है, लेकिन कभी कभी मतभेद को भी हम इसी में काउंट करते हैं. स्कफल मीन्स हाथापाई, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, फाइट, लड़ाई, क्वारल, झगड़ा, स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्राइफ, टैसल. देखिए अच्छे वर्ड है. स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, स्ट्राइफ मीन्स भी संघर्ष होता है, और टसल मीन्स हो, टसल मीन्स भी एक तरह का कला होता है. फ्रे, देखिए एक अच्छा वर्ड है फ्रे. फ्रे मीन्स भी होता है कला होना, झगड़ा होना, लड़ाई होना. ब्रॉल, ब्रॉल भी उसी में आता है. ये सब वर्ड्स हम यूज नहीं करते हैं. ब्रॉल, कंटेस्ट, कंटेस्ट तो मुकाबला हुआ. इनकाउंटर, डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एंड स्क्वैबल, स्क्वैबल मीन्स होता है झगड़ा या डिस्प्यूट. तो इस तरह से हमको स्कफल के मिले अल्टरकेशन, फाइट, क्वारल, स्ट्रगल, स्ट्राइफ, टैसल, फ्रे, ब्रॉल, कंटेस्ट, इनकाउंटर, डिस्कॉर्ड एंड स्क्वेबल. आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम. इनजुडिशियस. होता क्या है कि कुछ लोग के पास दिमाग कम होता है, तो उनको हम कहते हैं इनजुडिशियस, यानी जो विवेकहीन है, जिनके पास विवेक नहीं है, कॉन्सेंस नहीं है. तो कॉन्सेंस नहीं है तो देखते अनवाइज, जो वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है. फुलिश, मूर्ख है. सिली, मूर्ख होना. इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मीन्स होता है कम बुद्धि का. अगला है अनरीजनेबल, जिसके अंदर रीजन निकालने का या मतलब किसी चीज का तर्क निकालने की शक्ति नहीं, अनरीजनेबल है ना. इरेशनल और रैश. इरेशनल मीन्स जो रैशनल नहीं है, और रैश मीन्स भी होता है विवेकहीन. तो इस तरह से हमको
इंजुरी सीएसके में अनवाइज फुलिश सिली इम्प्रूडेंट अनरीजनेबल इरेशनल एंड रैश। हम देखते हैं आगे रिमेन्स, कहते हैं कि अरे वहां तो बस खंडर बचा है। रिमेन्स मीन्स खंडर, खंडर यानी अवशेष। रिमेन्स के देखेंगे रुइंस खंडहर, लिविंग्स छूटा हुआ बचा हुआ, रेमनेंट्स खाली फालतू चीजें बची हुई चीजें, फ्रैगमेंट्स टुकड़े एंड स्क्रैप्स जब कहीं कुछ भंगार हो जाता है ना, स्क्रैप्स। कारकास मीन्स डेड बॉडी होता है, लेकिन वैसे ही फालतू डेड बॉडी भी तो बची हुई होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई जंतु मर गया तो उसके बाद से उसकी कारकास भी एक तरह से रिमेन्स ही है। अगला है डेब्रिस, अच्छा वर्ड है ये, डेब्रिस मीन्स खंडहर, ट्रेसेस पहचान या खंडहर। वेस्टिज, वेस्टिज मीन्स होता है एक तरह से, वेस्टिज मीन्स तो खंडहर या फालतू चीजें जो पाई जाती हैं। रेजिड्यू रेलिक्स एंड लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मतलब जूठा, खाना खाते हैं कुछ बच जाता है वो जूठा होता है लेफ्ट ओवर। तो इस तरह से हम रिमेन्स के कुछ सिनोनिम्स देखे, रुइंस लिविंग्स रेमनेंट्स फ्रैगमेंट्स स्क्रैप कारकास डेब्रिस ट्रेसेस वेस्टिज रेजिड्यू रेलिक्स एंड लेफ्ट ओवर। ये जो सेशन आप देख रहे हैं ना, ये एडवांस्ड वोकैबुलरी का सेशन है, ठीक है। एडवांस वोकैबुलरी ऐसे सामान्यतः तैयार नहीं होगा। कहते हैं ना कि कोई बड़ा काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता, तो आप अगर सोच रहे होंगे कि आपको पूरी डिक्शनरी आसानी से याद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम लगे हैं आपका वर्ड पावर इंक्रीज करने में, आपके वर्ड पावर में, आपके पास जो वर्ड पावर है उसमें थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए। मेरा प्रयास बहुत छोटा है, प्रयास आपका ही सब लगेगा। 99% आपका स्ट्रगल है, 1% मेरा है। मैं आपको ये इतनी कम सुविधा के साथ हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, एडिट करके आपको दे रहे हैं, आपको परोस रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, हम चाहते हैं कि आप सभी मिल करके भर भर के रिजल्ट लाएं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनफर्टाइल, बंजर या ऊसर, जो जमीन ऐसी होती है जहां कुछ पैदावार नहीं होती है, तो इनफर्टाइल वर्ड उनको बोलते हैं। लेकिन देखिए क्या क्या इनके सिनोनिम है। पहला तो हो गया अनप्रोडक्टिव, जो पैदावार न कर सके, है ना, अनप्रोडक्टिव। फिर बैरन, बैरन मीन्स बंजर। स्टरिल, स्टरिल मीन्स भी होता है जहां पैदावार ना हो सके, मतलब ऐसा कि ऐसी भूमि या ऐसा कुछ ऐसा है ना पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट को प्रोड्यूस ना कर सके, है ना। अनफ्रूटफुल, जो फलदायक ना हो। अरिड, अच्छा वर्ड है ARID, अरिड। अरिड मीन्स होता है जो पैदावार ना दे सके, कभी कभी ये नाउन मतलब ह्यूमन बीइंग के भी लगता है। अगला है ड्राइड अप, ड्राइड अप मीन्स होता है सूख जाना, ऐसा होता है कि कोई चीज सूख जाए बेकार पड़ जाए, तो उसको भी हम उसी में गिनते हैं, अनप्रोडक्टिव हो गया है। अगला है अनबियरिंग, जो पैदावार ना कर सके। पार्च्ड, फालतू का पड़ा हुआ जो जिसमें कोई दम ना हो। और नॉन प्रोडक्टिव, देखिए अनप्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक ही चीज है, यहां प्रेफिक्स अन लगा हुआ है और यहां नॉन लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी हुआ कि जो बैरन हो, बंजर हो या ऊसर हो, इनफर्टाइल के सिनोनिम्स हुए अनप्रोडक्टिव, बैरन, स्टरिल, अनफ्रूटफुल, अरिड, ड्राइड अप, अनबियरिंग, पार्च्ड, नॉन प्रोडक्टिव। और लास्ट वर्ड हम देख रहे हैं वो है डिफाइल, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है तो बुरे नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये वर्ड अपने आप में अच्छा है। डिफाइल मीन्स होता है किसी चीज को भ्रष्ट कर देना, बुरा कर देना, है ना, अशुद्ध कर देना, ठीक। इसका है मेक डर्टी, गंदा करना, मेक इम्प्योर, अशुद्ध कर देना, पॉल्यूट, दूषित करना, टेंट, टेंट मीन्स उसमें दाग लगाना, है ना। अगला है करप्ट, उसे दूषित कर देना, डैमेज, नुकसान पहुंचाना, सुली करना, सुली मतलब होता है खराब कर देना, यानी उसको पथ भ्रष्ट कर देना। डिस्क्रेट, डिस्क्रेट मीन्स भी होता है खराब करना, एक तरह से नष्ट कर देना। विशिएट, विशिएट मीन टू डिस्ट्रॉय या टू पॉल्यूट। अगला है स्टेन, दाग लगा देना, या कॉन्टेमिनेट,
कॉन्टेमिनेट मीन्स होता है जैसे कॉन्टेमिनेटेड वाटर मतलब गंदा गंदा पानी, तो कॉन्टेमिनेट मीन्स होता है गंदा करना। ये है अगला है डिबाउश, बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर ये पूछता है। डिबाउश मीन्स होता है अशुद्ध करना, खराब कर देना किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अशुद्ध कर देना। और अगला है स्पॉयल, स्पॉयल मतलब नष्ट करना। एंड डी फ्लावर, देखिए फ्लावर मीन्स होता है शुद्ध करना, फ्लावरी कहते हैं, ओ योर वॉइस इज फ्लावरी, फ्लावर मीन्स होता है शुद्ध या बढ़िया, है ना। लेकिन डी फ्लावर मतलब होता है अशुद्ध होना। तो इस तरह से हमको डिफाइल के कुछ वर्ड्स सिनोनिम वर्ड्स मिले, मेक डर्टी, मेक इम्प्योर, पॉल्यूट, टेंट, करप्ट, डैमेज, सुली, डिस्क्रेट, विशिएट, स्टेन, कॉन्टेमिनेट, डिबाउश, स्पॉयल एंड डी फ्लावर। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।